हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बनाते हैं मटर पुलाव की रेसिपी। बहुत आसान, बहुत सिंपल सी मटर पुलाव की रेसिपी। इसे मैंने अपनी पतीली में जो है ना, यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर लिया हाफ कप, और इसे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज दी। जैसे मैं लाइट ब्राउन सा फ्राई करूँगी, जब यहाँ पे लाइट ब्राउन सी अनियन मेरी फ्राई हो जाएगी, तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी साबित खड़े मसाले में जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह। उसे मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून थोड़े से वाटर के साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं ऐड करूँगी। अब ये फ्राई हो जाएगी अच्छा सा। उसके बाद यहाँ पे मेरी प्याज साइड की भी रखी हुई है पैन में। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरी मटर जो है ना, 1 kg यहाँ पे मेरी मटर है, मैं इसको अच्छे से मैंने वॉश करके साइड कर लिया था। मैंने इसमें पतीली में मैंने इसमें ऐड कर लिया। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप वाटर, 1 teaspoon सॉल्ट, एंड अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैं इसको थोड़ी देर कुक करूँगी, जब तक हमारी मटर गल जाती है 10 to 15 minutes तक। उसके बाद यहाँ पर मेरा साइड में राइस जो है, मैं सोक हो रहा था 1 kg, यहाँ पर मैं 15 to 20 minutes तक राइस को सोक किया है मैंने अपने, ताकि वो अच्छे से कुक होने के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं अच्छे से ब्रिंग टू यानी कि बॉईल आ गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना एडिंग राइस कर दिया है। जब राइस को ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर चला लूँगी। यहाँ पे मैं, अब टेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे अपना आप टेस्ट कर सकते हैं नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा, आपको जो भी चीज़ें रखनी है। उसके बाद मैं इसे कुक करूँगी राइस को 15 to 20 minutes तक। फिर मैंने यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से मैं जो फ्राई अनियन थी मैं इसके ऊपर वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पे बहुत आसान, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। दिस इज़ फाइनल लुक, सो टेस्टी, सो यमी। मैं मटर पुलाव को इन्जॉय करूँगी अपने चिकन कोरमे के साथ, जो कि मैंने रेसिपी मेरी पहले से अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आई होप यू लाइक वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड